हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वे के एस वर्ल्ड न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को कल के वीडियो में ये पहले बताया था कि क्लास टेंथ जो लोग 2020 में बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का 2020 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन लोगों का मैं पार्ट बाय पार्ट करके आप लोग का हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इन सभी का 8 से 10 पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज से मैंने ये शुरू कर दिया है, जिसका ये आप लोग का हिंदी का आज पार्ट वन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसी 50 क्वेश्चन, जो कि इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ, आप लोग को 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 50 आप लोगों को करना होगा। तो जो लोग इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, इससे वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक जाते रहेगा। तो आज ये हिंदी का पार्ट वन मैं लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर 50 क्वेश्चन बताऊँगा। जो लोग 2020 में हैं वो देखिएगा जरूर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद इसी तरह से मैं आपका हिंदी का पार्ट टू लाऊंगा, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करके, क्योंकि अभी से ही आप लोग को तैयारी करना होगा। अगर एक अच्छा परसेंटेज अगर आप लोग को 2020 में लाना है तो इसके बाद फिर इसके बाद सोशल साइंस, इसी तरह से साइंस का, फिर साइंस में पूरा कैटेगरी आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का अलग अलग करके, संस्कृत, मैथ सबका आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा इस तरह से, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ताकि आपसे कोई भी पार्ट आप लोग का छूटे नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास टेंथ के सभी स्टूडेंट जो लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी का। यहाँ पे मैं चैप्टर एक, दो तीन चैप्टर से मिला कर यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किया हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं श्रम विभाजन, सबसे पहले आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं, तो इसके लेखक है कौन, तो भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो इसका हो जाएगा आपको यहाँ पे देख सकते हैं जाति प्रथा। उसके बाद तीसरा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आप लोगों का कार्य कुशलता के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं का, यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो यहाँ पे आप लोगों का चौथा का आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यहाँ पे ग आप लोग का है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किस का रूप लिए हुए है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का आंसर पांचवा का श्रम विभाजन। छठा देखेंगे हम लोग, मूल नायक क्या है, तो मूल नायक यहाँ पे एक पत्रिका है, संचारित का शब्दार्थ है, तो यहाँ पे देखेंगे संचारित का शब्दार्थ। सातवां प्रवाहित, यानी आपका आंसर ग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आठवां, यहाँ पे देख सकते हैं विडम्बना का अर्थ क्या है, तो विडम्बना का अर्थ उपहास है। नौवां, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, तो नौवां का आंसर आप लोग हो जाएगा दलित वर्ग। दसवां नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो डॉक्टर यहाँ पे देख सकते हैं दसवां नंबर का, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, तो ये अस्वाभाविक। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, तो इसका है पैतृक पेशा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे 13 का आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। उसके बाद यहाँ पे 14 में क्वेश्चन देखेंगे, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए, तो 14 का हो जाएगा ब्रदर नरेश। फिर देखेंगे बुद्धा एंड हिज धम के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, तो ललई सिंह यादव। 17 देखेंगे, आधुनिक मनु कहा गया है, तो आधुनिक मनु किसे कहा गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे,
तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को। वहाँ पे एक दो जगह मिस्टेक हुआ तो उसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। वो उसमें था कि इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। क्वेश्चन इस टाइप से आप लोग का घुमा कर देगा। फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश, मऊ मध्य प्रदेश में। फिर इसका 21, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो इसका हो जाएगा बहिष्कृत भारत का उन्होंने किया था। 22 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, भारतीय संविधान के कितने निर्माता के रूप में हम भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा आप लोग को भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। तो 23 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाईचारा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो रामजी सकपाल। उनके पिता का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल। उसके बाद 25 नंबर देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था, तो भीमाबाई घ आंसर हो जाएगा। उसका 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की, 1916 में। द कास्ट इन इंडिया, देख सकते हैं द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की। 28 देखेंगे, पैसे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, पैसे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती हो जाएगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जाति प्रथा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 1956 में दिल्ली में, 1956 दिल्ली। उसके बाद देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन में, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है हानिकारक। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भीमराव अंबेडकर की रचना है, तो द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ख। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में, डॉक्टर अंबेडकर का वर्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, तो 33 का आंसर हो जाएगा 21 खंडों में, घ आंसर हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद बात करते हैं, देख सकते हैं, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति देती है जो, तो यहाँ पे 34 का आंसर हो जाएगा आप लोग का उसका पैतृक पेशा न हो। देख सकते हैं 34 का हो जाएगा आप लोग का उसका पैतृक पेशा न हो, घ आंसर हो जाएगा। 35 में देखेंगे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा इसमें प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ग, क और ख दोनों आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर 36 की बात करते हैं, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो जाति प्रथा का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो जाति प्रथा का। उसके बाद 37 हम लोग देखेंगे, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है, तो मध्य वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर देखेंगे, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थीं, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खोखा किस को कहते हैं, तो कासू को। 40, सेन साहब कि मोटरकार किस रंग की थी, तो सेन साहब की मोटरकार काले रंग की थी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नलिन बेचो शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई, तो इनके स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का घ।
फिर देखते हैं 42वां क्वेश्चन, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा आंसर हो जाएगा आप लोग का घ। 43 में देखेंगे दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है आप लोग का नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। 44 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से ग आंसर हो जाएगा। मदन अफसर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो 45 का हो जाएगा, 45 का आंसर घ हो जाएगा, पिता के हाथों से। उसके बाद देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो किंडरगार्टन स्कूल, ये हो जाएगा आंसर ख। 46 का 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभिक किनकी कविताओं से हुआ है? 47 नंबर का तो नलिन विलोचन शर्मा आंसर हो जाएगा घ। फिर देखते हैं 48 में प्लूटो का किस देश से संबंध है यहाँ पे? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे यूनान से, घ आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत, घ आंसर हो जाएगा। उसके बाद मुंडा किस देश की जनजाति है? तो भारत, इसका आंसर हो जाएगा घ। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, ये पार्ट वन था। इसी तरह से मैं हिंदी हर एक सब्जेक्ट का, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, सभी का मैं आप लोगों को 8 से 10 पार्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को कम से कम यहाँ पे आप लोगों को एग्जामिनेशन में 40+ नंबर कीजिएगा, तभी आप लोगों का परीक्षा में ज़्यादा परसेंटेज अच्छा आएगा। ये था सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, आपको सब्जेक्टिव के लिए भी अच्छा आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, पढ़ाई करना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। बेल आइकन को हिट नहीं कीजिएगा तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आप लोग पास नहीं जाएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।